व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं दिल्ली चिली चैनल कैंडी फ्लॉस ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। गाइस, हमारे बीच आज बहुत ही डिफरेंट एंड स्पेशल गेस्ट प्रेजेंट हैं। यस, सिद्धार्थ बेरी एंड मृणमॉय बरुआ। सिद्धार्थ बेरी एक बहुत ही बड़े आर्ट डीलर हैं एंड मृणमॉय बरुआ एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। चलिए आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो सिद्धी। हेलो बरुआ जी, वेलकम ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा बरुआ जी, आप ये बताइए, आप कितने टाइम से पेंटिंग्स बना रहे हैं? लगभग मैंने 20 से 25 साल मैंने काम किए हैं, और अगर प्रोफेशनली आप देखना चाहते हैं कि मैंने कितना काम किया तो लगभग 16-17 साल मैंने काम किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप कुछ बताइए अपने बारे में और बताइए हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ऐसा है कि बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था काम करने का, और मेरा जो इंस्पिरेशन है मैंने अपने सीनियर्स, मतलब अपने स्कूल के सीनियर्स से ही लिया। मैं जो स्कूल से पढ़ता था वो है दिल्ली का एक फेमस स्कूल है, बंगाली स्कूल है, रायसेना बंगाली स्कूल, जहाँ उस स्कूल को दिल्ली का एक गढ़ माना जाता है आर्ट का। सारे दिल्ली के जितने भी आर्टिस्ट निकले, काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, इवन जो वहाँ के टीचर भी थे वो भी काफ़ी फेमस है। अविनी शेन थे बहुत पहले, जिनके जो मेरे आने से पहले वो थे, उसके बाद मानव बनर्जी थे। तो ऐसे स्कूल से मैंने पढ़ा जहाँ पूरा आर्ट के अलावा और कुछ हमें दिखाई नहीं देता। हालांकि वह रायसेना बंगाली स्कूल पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, दूसरे म्यूजिक में भी बहुत अच्छा है, पर आर्ट के लिए अलग से ही जाना जाता है। तो ये इंस्पिरेशन आपको स्कूल टाइम से ही है? बिल्कुल। अच्छा, आपकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं बरुआ जी? मेरी स्पेशलिटीज़ मेरे काम में बेसिकली मैं फिगरेटिव काम करता हूँ, फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो कुछ दिखाई भी दे रहा है, मतलब अगर मैंने कुछ फिगर बनाया या कुछ भी एलिमेंट्स उसमें डाले हैं, आपको दिखाई भी देगा वो हल्का हल्का, और हो सकता है कि ना भी दिखाई दे। यानी कि अगर कोई मैं ह्यूमन फिगर बनाया है, ज़रूरी नहीं कि जैसे उसका हाथ है तो हाथ हाथ की जगह ही दिखेगा, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको अपने हिसाब से उसको मोड़ देता हूँ। कहीं पर भी अगर मुझे हाथ की जगह हाथ को रिप्लेस करके दूसरी जगह लगाना होता है मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे काम में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं करता हूँ। और वो तभी हो सकता है, तभी वो आर्टिस्ट कोई आर्टिस्ट कर सकता है जब वो अपना जो बेसिक फंडामेंटल्स है आर्ट के, स्केचिंग बोलो और भी कुछ बोलो, तो वो जब तक वो करेगा नहीं कोई भी आर्टिस्ट, तब तक वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यही तो एक स्पेशलिटी होती है, क्रिएटिविटी जो आप दिखाते हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस फेमस आर्टिस्ट की। अच्छा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी सिद्धार्थ। यू आर सिद्धार्थ बेरी एंड यू ओन सिद्ध बी, सो व्हाट इज दैट? Okay, basically, SIDBI is a short form of my name, Siddharth Bheri, as it's very evident. And I'm very passionate in towards growing my name further, you know, for some reason. But as far as SIDBI is concerned, I'm a pure art dealer, और मैं paintings को deal करता हूँ। और बहुत सारे artists हैं pan India basis पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी responsibility है कि मैं उनका काम promote करूँ, and since it's my livelihood also. And SIDBI is, as a company, it has partnered with Mrinmoy Barua, a brand, who is a very senior artist. And my objective and my role is ki main unka kaam market mein promote karun, bechun, and I'm his partner in the studio itself. Of course, I've got my stakes there with it, and so we both work together, hand in hand. That's great. अच्छा बरुआ जी, मैं आपकी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप एक फिगरेटिव आर्टिस्ट हैं, स्पेशल फिगरेटिव आर्टिस्ट हैं, उसके बाद भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ज़्यादा बिकती हैं, इसके पीछे क्या राज है? दरअसल ऐसे है, मैं एब्स्ट्रैक्ट ही करता था जिसमें मेरे अपना सिग्नेचर वर्क है, पर एक टाइम ऐसा हुआ आया बीच में 8-10 साल पहले कि मैं अपना फिगरेटिव काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे कलर्स में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपना जो फिगरेटिव काम है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग काम है, ड्राइंग बेस है पूरा, उसको मैंने बिल्कुल अपने काम से हटा दिया, एक साइड कर दिया उसको, फिगर को। करने के बाद मैंने सोचा अब सिर्फ कलर में ही काम किया जाए, जब क्योंकि मुझे कलर में प्रॉब्लम था, फिगरेटिव तो ड्राइंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग था ही पर कलर में प्रॉब्लम था।
वो कलर को जब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा करते 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 ऐसे एक टाइम आ गया कि लोग मेरे फिगरेटिव काम को देखना बंद कर दिया, सिर्फ मेरे एब्स्ट्रैक्ट काम को पसंद करने लग गए। सारे कॉर्पोरेट्स वाले, सारे इंडिविजुअल जो भी लोग हैं वो भी सब, हाँ कॉर्पोरेट्स, तो वो सारा काम मेरे स्टूडियो से तभी निकलने लग गए। फिर मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे जो करना था वो फिगरेटिव के साथ, फिगर के साथ अपना जो कलर है जो जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इतने साल से, उसको मैं मुझे कंबाइन करना था, जो कि मैंने बाद में किया भी है काफ़ी। अच्छा सिद्धार्थ, आप ये बताइए कि आप लोगों की कंबाइंड स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं एंड हाउ यू मैनेज योर वर्क टुगेदर, ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। दो बरुआ साहब एक आर्टिस्ट हैं, तो वो उनका मेजर रोल है आर्ट में फोकस करना, मेकिंग द पेंटिंग्स द वे ही वॉन्ट्स टू मेक इट, और उस माइंड फ्रेम में रहना कि वो एक क्रिएटिविटी को कैनवस में कैसे डालते हैं। और जो मेरा रोल है उस आर्ट वर्क को प्रमोट करना थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ऑफ कोर्स सेलिंग इज द मेन एस्पेक्ट बिकॉज इट्स बिजनेस ऑफ आर्स। सो दैट्स माय मेन ऑब्जेक्टिव कि मैं कैसे उनका आर्ट वर्क दुनिया भर में, ऑल ओवर द कंट्री मैं प्रोजेक्ट कर सकूं, दिखा सकूं, क्लाइंट मीट्स मैं करता हूं, फिर जितने भी हमारे फाइव स्टार्स में एग्जीबिशन लगती है तो कॉर्पोरेट मीट्स मैं करता हूं, बिकॉज आर्टिस्ट तो पेंटिंग बना सकते हैं। मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूं, एक सेल्समैन हूं, एक सेल्स आप पूरी ब्रांडिंग संभालते हैं। आर्टिस्ट बेसिकली आर्टिस्ट का काम करना है। अगर आर्टिस्ट बिजनेस करेगा तो कैसे चलेगा? सही बात है, दोनों काम आप कैसे संभाल सकते? हाँ, बिल्कुल नहीं संभाल सकते। So Sid is the backbone? I think we both are spine for each other. Yeah. Because इनके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरे बिना इनका काम। बिल्कुल बिल्कुल। I'm a big Barua fan by the way. बहुत शुरू से Sid भी बड़ा हुआ मेरे काम देख के। तो मेरे ख्याल से, और उसको भी शायद मालूम है कि मेरे काम को जिसने बचपन से देखा है तो मेरे बात मेरे काम को एनालिसिस करने वाला वही है। That's a great respect. In DLF house, my drawing room is full of his work and massive, great, majestic size work. So I've actually seen his work growing, and I love what he does. Like I see about close to about 30-40 paintings every day of all the artists that are on my. I've got more than 150 artists pan India on my panel. But I am a Barua fan in terms of I love his work. His work has so much of energy, so much of positive energy and precision that we need in daily lives. So जब भी मैं उनका काम देखता हूँ अपने घर में या photographs में या studio में, तो एक अजीब सी एक flow, एक energy आती है मेरे अंदर which motivates me to work further. We wish you all the best. आप ऐसे ही साथ मिलके इतनी ऊंचाइयाँ चढ़ें कि छूना मुश्किल हो जाए। अच्छा सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन का आप रिप्लाई दीजिए। हमने ना सुना है कि बहुत सी आर्ट गैलरीज ना आप लोगों के अगेंस्ट हैं, ऐसा क्यों? काफ़ी होमवर्क किया आपने। बेसिकली एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है तो उस पर आर्टिस्ट प्राइस चढ़ती है, वही पेंटिंग जब एक फुल फ्लेजेड गैलरी में डिस्प्ले होती है तो गैलरी ओनर का एक ओवरहेड हो गया, ओके, रेंट हो गया, बिजली हो गई, वाइन एंड चीज हो गई, यू नो एंटरटेनमेंट हो गया, एग्जीबिशन कॉस्ट हो गई, सो वो सारी जो प्राइसिंग होती है वो उस कैनवस पर छप जाती है। तो एंड कंज्यूमर जो है वो बेसिकली वो प्राइस गैलरी की भी प्राइस पे कर रहा है, आर्टिस्ट की भी प्राइस पे कर रहा है। सो मेरा जो काम है, आई वर्क ऑन अ आर्टिस्ट प्राइस, कि जो प्राइस बनते ही जो एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को एक प्राइस टैग लगाता है, मैं उस प्राइस में डील करता हूँ। और हर आर्टिस्ट से मेरी वही रिक्वेस्ट होती है, और बरुआ साहब से भी मेरी वही रिक्वेस्ट होती है कि आपका प्राइस टैग एक बहुत बड़ा प्राइस टैग है, पर जब मैं किसी से डील करूं तो मुझे एक कंसेशन बनता है, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा एक काम को मार्केट करना। राइट, वेरी राइटली सेड। तो ये एक प्रॉब्लम है ये गैलरीज के साथ जी, बिकॉज बहुत सारे गैलरी ओनर मुझे कहते हैं कि सेट अगर तुम ऐसा करोगे तो रेट गिरेंगे पेंटिंग्स के, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, बट आई फील आई हैव अ राइट टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट्स बाय सेलिंग द वर्क एट अ डीसेंट प्राइस सो दैट दे कैन सेल एवरी डे, सेल ऑन मंथली बेसिस। My factor is very simple, my logic is very simple that I want art to be displayed in every household. जैसे आप एक paintings की बात करते हैं, आप किसी exhibition में जाती हैं तो सबसे पहले thought आता है art बड़ी महंगी होगी, मुझे वो thought को तोड़ना है। मैं अगर एक चीज़ हम मानते हैं कि कला पर सबका हक है तो painting पर भी सबका हक होना चाहिए।
और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट अगर एक बहुत बड़ा कैनवस बहुत महंगी पेंटिंग का बेचना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसकी ड्राइंग भी लोग खरीद सकते हैं जो सस्ती भी। नहीं, आर्ट ऐसी ही चीज़ है कि आर्ट जब तक आर्टिस्ट काम कर रहा है एक कैनवस पे या कोई किसी चीज़ पे, वो जब तक अपना एक्सप्रेशन उसमें दे रहा है या इम्प्रेशन दे रहा है तो तब तक वो आर्टिस्ट का है। और उसके बाद जब वो चीज़ लोगों के पास जा रहा है या डिस्प्ले के लिए जा रहा है तो फिर वो आर्टिस्ट का नहीं है, डिटैच हो जाता है आर्टिस्ट। पर वो काम अगर दोबारा आर्टिस्ट के पास आता है तो आर्ट, मेरे ख्याल से आर्ट जो है आर्ट सबके लिए है। राइट, आर्ट सबके लिए है। अगर कोई उसे पसंद कर रहा है, चाहे कोई गरीब आदमी पसंद कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है तो फिर भी उसके पास होना चाहिए। हाँ, अमीर आदमी है वो तो खैर खरीद ही सकता है। तो आर्ट सबके लिए है, आर्टिस्ट का यही रहता है कि वो मैक्सिमम जितना हो सके वो उतने में किसी को भी काम दे सकता है। अच्छा बरुआ जी, आप ये बताइए, हम ये भी सुन रहे हैं कि आप धीरे धीरे आर्ट गैलरीज को अपना काम देना बंद कर देंगे। दरअसल ऐसे है कि काम ये मेरा बहुत पहले से ही सोच था, मेरे को गैलरी वाले पसंद नहीं। गैलरी जो भाया है, कई बार जब मैं कॉलेज से निकला तब भी मुझे ऐसे ही लगा था, आज भी ऐसे ही लगता है कि आर्टिस्ट जितने भी खासकर जो न्यू कॉमर्स है उसको गैलरीज ठीक पे नहीं करते, एक्सप्लॉइट भी करते हैं। नया आर्टिस्ट है कुछ बोलेगा भी नहीं क्योंकि उसको पैसे की भी ज़रूरत है। पर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को, उस पहले भी नहीं चाहा था कि मुझे कोई एक्सप्लॉइट करे और आज भी नहीं चाहता। और मैं काफ़ी सक्षम हूँ अपने काम बेचने में, मेरे से अच्छा मेरा काम कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई गैलरी वाला नहीं बोल सकता। सिद्धार्थ की बात अलग है क्योंकि सिद्धार्थ ने बचपन से ही मेरा काम देखा है। अच्छा सिद्धार्थ, ये बताइए, जब आपके साथ इतने सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं फिर भी आपने बरुआ जी को ही क्यों चुना, जबकि हम जानते हैं कि आप बचपन से इनका काम देखते आ रहे हैं, उसके बाद भी आपने ऐसा क्या खास बात देखी कि अब इन्हीं को चुना आपने? देखिए, हम जब एक मूवी देखते हैं तो हम हर एक्टर को एक कदर करते हैं, हमारे फेवरेट्स होते हैं, किसी के हम फैन होते हैं, पर बच्चन साहब की जो पदवी है वो वही है। तो क्योंकि मैंने ऐसा काम कहीं नहीं देखा जो बरुआ साहब बनाते हैं, और वही काम मैंने एक उस मोमेंट पे देखा जब मैंने आर्ट की मुझे नॉलेज नहीं थी। और आज भी मैं कितने अपकमिंग आर्टिस्ट को देखता हूँ, सीनियर आर्टिस्ट को देखता हूँ जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे वाकई में पूछें तो मैं बरुआ फैन हूँ। जैसे मैंने बताया, बरुआ साहब का काम मुझे एक अजीब सी एनर्जी देता है, एक अजीब सी कशिश है। अजीब एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी, तो बहुत क्रिएटिव काम है उनका। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बन रही है, घोड़ा बन रहा है तो घोड़ा ही बनता जा रहा है। बहुत इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिविटी है कैनवस में, और जो इनके रंगों का प्रयोग किया जाता है कैनवस, जैसे यूज़ करते हैं कलर्स को, इट्स फैसिनेटिंग। यू हैव टू सी हिम पेंटिंग लाइव समडे, इट विल बी ट्रूली अ प्लेजर फॉर यू एंड ऑल ऑफ अस, यू नो। So this is one of the reasons why that I have about more than 150 artists pan India, I agree, but I am truly a Barua fan. I went to him when I just started my business. I had no artists on my panel, and because I had seen his work in my drawing room, in my rooms at home, I went to him and I requested him with folded hands, ki sir, I am starting a small business. I don't have any artists as of now, and because I've been seeing your work, I've been growing seeing it, I would like to sell for you. And he was wondering that this chap has come, as long as he wants to work hard, and if I don't give him opportunity, then who else, you know? And he said, "Theek hai, mera kaam bhej, promote kar, koi dikkat." So even if you go to my website, which is www.sidb.in, the first 2-3 lines will only be Mr. Barwa's paintings. And if you check on the artist name column, you will only see Mr. Barwa's name. You will not see 150 names out there. तो सिद्ध, आपकी बातें सुन सुन के तो मैं भी इनकी फैन बनती जा रही हूँ। ये मुझे कब गिफ्ट कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स? आप स्टूडियो आइए, आपको जरूर मिलेगी, आई एम श्योर। स्टूडियो होना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन वाइस वर्सा मैं आपसे करना चाहूंगी बरुआ जी, आप ये बताइए, आपने भी सिद्ध को ही क्यों चुना? नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने सिद्ध को ही चुना, इससे पहले मेरे पास बहुत लोग आए, मैंने कभी किसी को नहीं मना किया। मैं कभी भी किसी को भी कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करता जब तक कोई चीज़ मुझे खटक ना रहा हो। और सिडबी को जोड़ने का कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि इसने मेरा काम बचपन से देखा है। अगर मेरे काम के बाद, अगर मैं अपने काम को जानता हूँ जितना अच्छा जानता हूँ,
उसके बाद सिद्धी ही जानता है मेरे काम के बारे में, क्योंकि बचपन से देख रहा है। एक आदमी रोज़ सुबह उठ के कोई काम देख रहा है और वो भी मेरा काम देख रहा है और रोज़ उसका रूटीन बन गया है, तो उसके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उस कार्ड के बारे में समझना शुरू कर देता है और उसका वो शुरुआत जो हुआ है वो मेरे काम से ही हुआ है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ, मेरे मानना यही है कि मेरे बात, क्योंकि इतना इंटरेक्शन शायद ही किसी ने किया हो मेरे काम के साथ। अच्छा सिद, मैं आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाली हूँ। आप BPO के ओनर रह चुके हैं और रेसलिंग लीग के रह चुके हैं, नाउ यू आर एन आर्ट डीलर, एकदम से आपने आर्ट की तरफ मोड़ ले लिया, क्या आपका इसके पीछे, क्या आप प्रूव करना चाहते हैं टू द वर्ल्ड? सी, आई बिलीव इन एंटरटेनमेंट। BPO wasn't an entertainment aspect for me. It was that I've been doing 15 years of my lifetime. You know, I was the head of the operations for a company in Noida. And I was trained to be good at my job by my directors. And then I started Arm Wrestling League in India for the first time, which was very good experience, you know, very nice. But I always appreciated art because I've been seeing it in my house. In every house of mine, I see paintings on the walls. Mm-hmm. It's been years, you know. So I appreciated art and I realized that I want to get off this stress-free schedule of life. You know, I want to do something what I love and I want to do something where I'm working single-handedly. You know, I'm not dependent on too many people. And my life is without any stress today, touch wood. God's been kind to me. I enjoy selling art, I enjoy spending a lot of time with the artists. They're such good and simple human beings, all of them. कितने ऐसे artists हैं जिनसे मैं मिला भी नहीं पर मेरे फ़ोन पर डायरेक्ट डील की और बात होती रहती है। I wish to meet them. So, I'm loving my life as an art dealer, you know, not because of the glamour aspect, only glamour. तो शुरू से ही I was socializing, I knew everybody in Delhi, so it was an aspect, but I love interacting and talking to artists. I love spending time in the studio with Mr. Barua. You know, having tea together, having coffee together, having a bite together, going out for lunch with Mr. Barua, with other artists as well. Having understanding ki artist ki life kya hoti hai and how simple we should be. We should try and grab the best out of an artist because these are the blessed minds. You know, we are not as creative as they are. They understand life from their perspective. Ours is a lot of dikhawa, a lot of drama, but they are very simple, you know. So I truly appreciate it and I love the company and the art fraternity. You know, they are such kind and humble people out there. अच्छा बरुआ जी, आप ये बताइए, आप इतने रिस्पेक्ट देते हैं वुमनहुड को कि आपने तो वुमन एम्पावरमेंट पे अपनी खूब सारी पेंटिंग्स भी बना दी हैं, उसके पीछे क्या USP है? उसके पीछे ऐसा है कि मैंने शुरू से ही औरत को बनाया है। मेरे एक मैं शुरू से, मैं आपको कैसे बताऊं कि काम, जब भी मैं फिगरेटिव काम के लिए उससे पहले ऐसा हुआ कि जब कॉलेज में था कि मैं पोर्ट्रेट की तरफ अपना ध्यान था मेरा, पर मेरा जो स्किल है मुझे ये कभी भी अलाउड नहीं करता था कि मैं पोर्ट्रेट बनाऊं। मुझे फिगरेटिव काम करने में बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो औरत का फिगर हो चाहे आदमी का फिगर हो। पर एक और चीज़ है, क्योंकि मैं खुद मेल हूँ, मेल हर वक्त अपना अपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट होता है, वैसे ही जान के चाहे अनजाने में मैंने फिगरेटिव काम औरत का फिगर्स ज़्यादा बनाए और औरत को ही लेके मैंने सारे, ऑलमोस्ट सारे काम मेरे औरत के ऊपर ही है सीरीज़। और क्योंकि अभी आज के डेट में एम्पावरमेंट है, औरत के ऊपर चल रहा है, बातें चल रही है, बहुत किस्म के बातें हो रही है, तो मैंने अपने काम को एम्पावरमेंट के साथ जोड़ दिया कि एक तो मेरा काम औरत बेस है, फीमेल बेस है, ऊपर से बाहर का जो सोसाइटी की जो अभी टॉपिक चल रही है वो भी वैसी ही है, तो मैंने अपना जो काम है उस साँचे में डाल दिया। बहुत ही आपने खूब किया। और एक चीज़ है ऐसे भी है उसमें कि नारी जो शक्ति है, एक तो मेरे काम में सॉलिडिटी है, फोर्स है, मास है, वॉल्यूम है। आप कोई भी काम देखोगे आप मेरे, आप खड़े नहीं रहोगे, आपका आंखें घूमेगी और आप हिलते रहोगे, क्योंकि पूरा काम ही ऐसे है। फिगरेटिव काम की बात कर रहा हूँ। लॉट ऑफ एनिमेशन। हाँ, मैंने सारे अपने कामों में एनिमेशन, मैनुअल एनिमेशन यूज़ किए,
मैनुअल एनिमेशन यूज़ करने का मतलब ये है कि मुझे फोर्स चाहिए काम के अंदर, जो एनर्जी मेरे अंदर है वो मैं कैनवास में उस तरीके से निकालता हूँ थ्रू एनिमेशन, फोर्स दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है फोर्स दिखाते दिखाते मुझे एक टाइम ऐसा हुआ कि शक्ति की बात याद आई, क्योंकि मैंने जब भी मैंने फोर्स दिखाया है, जैसे हाथ है तो हाथ मैंने मल्टीपल हैंड्स दिखाए, अगर पैर है तो पैर मल्टीपल्स दिखाए, सर है तो सर को मल्टीपल्स दिखाए, इसका मतलब है कि पावर। उस स्पीड को दिखाते दिखाते एक टाइम ऐसा आ गया कि जो हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी में हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही है, जैसे हम गॉड गॉडेस को देखते हैं, जिसकी जितना हाथ है वो उतना पावरफुल है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ देखते हैं। तो मैं सारे काम को, सारे अपने फीमेल फिगर्स को या मेल फिगर्स को मैं उस एनिमेशन में उतने मल्टीपल हाथ दिखा के उसके साथ उसको उसमें मैंने अपना जो मेरे सिंबल्स हैं मैंने यूज़ किए। रिसेंट मैंने मोदी जी को बनाया, उसमें भी मोदी जी को मैंने एक ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा जैसा एक रूप दिया, क्योंकि मोदी आने से पहले क्रिएटर, हाँ क्रिएटर मतलब क्रिएटर शो किया है, पर एग्जैक्ट क्रिएटर मतलब मैं ब्रह्मा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा है, भगवान भगवान है, तो मैं भगवान तो नहीं कह सकता। हो जाती। तो पर मेरे को एक मौका, क्योंकि मेरा काम शुरू से ही फोर्सफुल है और मल्टीपल मैं एनिमेशन उसमें यूज़ करता हूँ, तो मुझे और एक मौका मिल गया तो कि उसमें मैं सिंबल्स यूज़ करके मोदी जी का जो थॉट्स था उसमें मैंने ऐड किया। वैसे ही एक काम जैसे मैंने अभी आपको बताता हूँ, क्रिएशन ऑफ एटम जो माइकल एंजेलो का काम था, उसमें गॉड को दिखाया गया कि एडम को लाइफ दे रहा है, उस काम को उस थीम को मैंने अपने दिमाग में रखा और मैंने उसको उसके उल्टी उल्टे तरफ से देखा आज के कॉन्टेक्स्ट में कि औरत आज के दिन में बहुत पावरफुल है और औरत आदमी को लाइफ दे रहा है, गॉड नहीं दे रहा, औरत दे रहा लाइफ जो कि आज के डेट में है। अच्छा सिद्ध, आप ये बताइए कि जैसे आपका आर्ट वर्ल्ड भी बड़ा ग्लैमर भरा है, तो क्या आप भी बड़ी ग्लैमरस लाइफ जीना पसंद करते हैं? देखिए अंदर से तो वी ऑल आर वेरी सिंपल पीपल, बट बाय ग्लैमर लेट्स टॉक अबाउट सोशलाइजिंग, पार्टी, मीटिंग न्यू पीपल, गेटिंग इनटू दोस सोशल नेटवर्क्स, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? बिकॉज़ द मोर कार्ड्स वी एक्सचेंज इज बेटर फॉर आवर बिजनेस। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा असली काम शाम को शुरू होता है, because that's the time you're meeting people, you're meeting your old friends, socializing and all. Yes, so we have to socialize, there's no other way we can promote ourselves, you know. All right, print media is different aspect hai, you know, Facebook is different aspect hai, but it's very important to move out of your box and meet new people in order to encourage art, you know. Selling is one aspect again, but I want to encourage paintings that I have on my panel, you know, especially for Mr. Barwas. So it's very important for me to showcase it to people, and that will only happen if I can meet new people. अच्छा बरुआ जी, ये बताइए कि आप अपने हमारे माध्यम से अपने buyers को क्या message देना चाहेंगे? आगे जो आपके साथ buyers जुड़ेंगे उनको भी, और अभी जो आपके buyers हैं उनको क्या message देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन buyers को मैं शुक्रिया जाना करना चाहता हूँ कि जो buyers मेरे काम खरीदते हैं या खरीदते आए हैं, जो लोग मेरे काम देखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो और भी देखें और ख़रीदने का कोशिश भी करें। अच्छा बरुआ जी एंड सिद्ध भी, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे डेली चिली व्यूअर्स के लिए भी आप कुछ स्पेशल मैसेज दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर, सो काइंड ऑफ यू, एंड डेली चिली इज़ बीन अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर अस, एंड आई एम श्योर इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ अ बॉक्स एंड start thinking and, you know, promoting ourselves in our different businesses altogether. However, it's been very kind of all of you as a team to give us an opportunity to be right here with you, and you've been writing on us, which is again superb, but thank you so much. अच्छा बरुआ जी, आपका भी मैसेज मैं एक्सपेक्ट करूँगी। दिल्ली चिली बहुत अच्छा है, एक एक तरीके से बहुत अच्छा सोशल मीडिया है, और मेरी कोशिश ये रही है कि मेरे को दिल्ली चिली और भी कवर करें और अच्छे से अच्छा कवरेज दे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। प्लेजर।
तो फ्रेंड्स, ये थे सिद्धार्थ बेरी आर्ट डीलर एंड मृण्मॉय बरुआ, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट. आप देख रहे थे डेली चिली चैनल. कैंडी फ्लॉस ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस. थैंक यू.